हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ये जो पुरानी जींस है इससे बैग बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये बैग मैंने इस जींस से बनाया है और इसमें मैंने ये वेलक्रो यूज़ की है आगे की जेब में, और इस बैग में भी मैंने वेलक्रो यूज़ की है। इसे हमने आगे पीछे क्रोशिए की लेस से डेकोरेट किया है। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को टच करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए, ये पुराने जींस है, इसमें से मैं बैग बनाऊंगी। तो हम इसमें सिर्फ नीचे का हिस्सा लेंगे क्योंकि ऊपर से ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो ये देखिए, इसे इस तरह से हमें फोल्ड करके रखना है और यहाँ से मैं इसमें लेंथ ले लेती हूँ जितनी आप चाहें। जो अच्छे से डार्क कलर हो नीचे की साइड उतना आप हिस्सा ले सकते हैं। मैं 15 इंच ले रही हूँ लेंथ में, और इस हिसाब से मैं यहाँ पर स्केल से इसे सीधा कर लेती हूँ। अब यहाँ से हम इसे कट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक लेग का कट किया, फिर दूसरी लेग का कट किया है, और इसमें जो पॉकेट है ये पॉकेट भी मैं पूरी निकाल लूँगी। इसमें जो पीछे का कपड़ा है वो भी मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए, जींस में से हमने इतना पार्ट कट किया है, अब हम इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप जो मोटी सिलाई होती है उसके पास से इसे कट कीजिए। दोनों को हम इस तरह से कट कर लेते हैं। ये कट हो चुके हैं दोनों पीस। अब ये देखिए, जो बिल्कुल डार्क कलर का नीचे का पोर्शन था वो हमने लिया हुआ है। अब इसे एक दूसरे के ऊपर अपोजिट रखेंगे और इसे हम तीन तरफ से सिल लेंगे। और इसे आप जो थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा दिख रहा है उसे आप सीधा काट के एक सा कर लें और इसे तीन तरफ से सिलाई लगा लें। ये देखिए, मैं सिल चुकी हूँ और इसका जो ऊपर का बॉर्डर है उसे मैंने एक साइड फोल्ड भी कर लिया है। उसके बाद आपको इसे इस तरह से रखना है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर आप अंदाज से या इंची टेप से देखें, 2.5 इंच पे मैं एक चौक से निशान बना लेती हूँ और यहाँ हमें इसी शेप में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर दोनों साइड हम सिलाई लगा लेते हैं जिससे इसमें एक बेस बन जाएगा सामान रखने के लिए। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसमें दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ और इसका जो बॉर्डर मैंने आपको बताया था इसे भी मैं ऊपर फोल्ड कर चुकी हूँ। तो ये हमारा आधा काम हो चुका है। अब हमने जो पॉकेट निकाली थी ये देखिए कट करके, इसे हम सिलाई इसकी जो खोल के इसमें जो ये सिलाई लगी है इसे हम खोल लेंगे और दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, जो अंदर की साइड आई है वो काफ़ी नया कपड़ा आया है, इसे हम फ्रंट में लगाएंगे। और जो दूसरा पीस निकला है इसे आप चाहें तो अंदर भी लगा सकते हैं, मोबाइल रखने के लिए इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे लगाएंगे, उससे पहले हम इसमें वेलक्रो सिल लेते हैं। तो ये देखिए, जो पॉकेट के लिए उसके लिए आप एक छोटा पीस लें वेलक्रो का, और जो मेन बैग है उसमें मैं ये बड़ा पीस ले लेती हूँ। ये वेलक्रो बहुत आसानी से सिलाई हो जाती है और इसका लॉक बहुत मजबूत रहता है। तो ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले आप पॉकेट में ये वेलक्रो सिल लें और उसी नाप से आप चौक से निशान लगा के नीचे बैग में सिल लें, और उसके बाद हम इस जेब को इसमें पूरा सिल लेंगे तीनों तरफ से। तो ये देखिए, मैंने ये वेलक्रो सिल ली है, जो पॉकेट है छोटी वाली उसमें ये देखिए चौक से मैंने निशान लगाया है, उसी जगह दोनों आमने सामने सिल ली हैं, और इसके बिल्कुल सेंटर में हमने निशान लेके ये वेलक्रो भी सिल ली है। तो ये जेब काफ़ी अजीब लग रही है, सुनी सुनी, तो हम इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। ये क्रोशिए की लेस है, या आप कोई भी आपके पास लेस का टुकड़ा हो उससे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप चाहें तो यहाँ इसे चिपका भी सकते हैं या इसे सिल लेते हैं। मैंने यहाँ इसे सिलाई कर लिया है, ये देखिए, और हम इसे दूसरी साइड थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो इसके हम अलग अलग फ्लावर कट कर लेते हैं, इसे आप ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका सकते हैं। तो देखिए, इसके पीछे की साइड मैं यहाँ पर इन्हें लगा लेती हूँ। आप चाहें तो जो फेविबॉन्ड करके जो एक ट्यूब आता है चिपकाने का उससे भी आप इसे लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो देखिए, हमारा बैग तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। अब हम इसमें ऊपर हैंडल के लिए पट्टी लगाएंगे। तो जो बची हुई जींस है उसमें से ये देखिए, जो मोटी सिलाई वाली जगह होती है यहाँ से हम ये स्ट्रिप काट लेंगे। दोनों साइड से हम पूरी स्ट्रिप निकाल लेते हैं
तो देखिए ये मैं स्ट्रिप लगा निकाल चुकी हूँ और इसे हम इसके हैंडल की जगह पर सिलेंगे। तो जो वेलक्रो हमने पहले ही नाप के सेंटर में लगाई थी, अब इस पट्टी को जो हैंडल के लिए हमें लगाना है, आप वेलक्रो के बिल्कुल पास में रख के इस तरह से यहाँ पक्की सिलाई लगा लें। 4-5 सिलाई लगा के हम इसे अच्छे से जोड़ लेते हैं। आप चाहें तो अगर आपको लंबी पट्टियाँ चाहिए तो आप जींस में से पूरी स्ट्रिप निकाल लें तो आपके हैंडल लंबे हो जाएंगे। और इस तरह ये बैग कंप्लीट है। ये इसका पीछे का लुक है और ये देखिए ये काफ़ी मजबूत लॉक है जो वेलक्रो से बहुत आसानी से लग गया है। देखिए ये बैग तैयार है। जो पुरानी जींस जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उसमें से भी आप इसे बना सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। और ये देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।